Name of Allah Almighty, the most gracious, the most merciful. Respected students, friend farmer, your warm welcome in our online academy, the ESL Academy of Linguistics and Literature. Contact number is 0305-631-9464. Respected students, today we'll discuss Henrik Ibsen's contribution to modern drama, Henrik Ibsen as a father of realism, Henrik Ibsen as the father of modern drama. So if examiner asks such kind of question, you have to answer whatever I'm going to teach you. यहाँ पे एक प्ले जो है, आप इसको इन्फ्यूज कर सकते हैं, आप इसके अंदर इसी असाइनमेंट के अंदर इसकी थॉट्स को डिस्कस कर सकते हैं. इसका प्ले है गूस्ट. उसके अंदर ये सोसाइटी को रिवील करता है, उसको उसका मास्क जो है वो उतारता है सोसाइटी. सोसाइटी के अंदर किस तरह के लोग हैं. एक औरत है, नाम है उसका मिसेज एल्वन. मिसेज एल्वन का एक हस्बैंड था, उसका नाम था कैप्टन एल्वन. प्ले को हम जब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि मिसेज एल्वन जो है वो अपने हस्बैंड की याद में, उसकी मेमोरी के लिए, उसके लिए कि उसको गुड रिवार्ड मिले, उसके लिए ऑर्फन हाउस बनाने जा रही है. यानी जब किसी की डेथ होती है तो हम उसके लिए कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, मस्जिद बना देते हैं, कोई चर्च बना देते हैं, कोई इस तरह की चीज़ बना रहे हैं कि जो रिलीजियस सिंबल हो, उसको उसका रिवार्ड मिलता रहे. तो इसीलिए वो इस तरह वो बनाने जा रही है. तो अपने दोस्त पैस्टर मैंडरन, जो उसका एक दोस्त है, उसका नाम है पैस्टर मैंडर. पैस्टर मैंडर जो है वो उसका फ्रेंड है मिसेज एल्वन का. उसे बताती है कि उसके लिए वो अपने हस्बैंड की याद, उसकी याददाश्त के लिए या उसकी याद में, उसकी कमेमोरेशन में, उसकी मेमोरी के लिए ये बना रही है. तो साथ ही वो बताती है कि उसका हस्बैंड जो है वो अच्छा इंसान नहीं था. वो किसके पास, देखिए सोसाइटी रिवील हो रही है, सोसाइटी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, उसको एक्सपोज किया जा रहा है. और उसको उसकी वाइफ इसको करती है कि उसका हस्बैंड जो है वो अच्छा इंसान नहीं था, प्रोस्टिट्यूट से उसके साथ रिलेशन थे, उसके रिलेशन थे, इवन के जो घर की सर्वेंट थी, मेड सर्वेंट थी, उसके साथ भी उसके लेजिटिमेट रिलेशन थे. और उसमें से उसकी बेटी थी, उसका नाम था रजीनिया. जब वो उसको प्रेग्नेंट कर देता है तो वो उसी डर से फिर उसकी शादी करवा देता है किसके साथ, जैकब के साथ. जैकब एक कारपेंटर. अब होता यूँ है कि सोसाइटी को हेनरिक इब्सन किस तरह रिवील करता है, उसके चेहरे से कैसे पर्दे को उतारता है और उसको स्ट्रिप आउट करता है, उसके मास्क को, कि किस तरह के लोग हैं और वो शो क्या करते हैं. वो कहता है कि तो फिर अगर वो बुरा इंसान था तो आप उसके लिए ये ऐसा क्यों बना. अब डायलॉग और है. तो उसे बताती है कि वो उसका एक अच्छा नाम था, उसकी अच्छी फेम थी, लोग उसे ऑनेस्ट समझते, लोग उसे बड़ा ग्रेट समझते, लोग उसे बड़ा एक अपराइट समझ रहे थे, बड़ा रिलीजियस समझ रहे थे. तो मैं उसकी जो साख है उसको ख़राब नहीं करना चाहती, मैं चाहती हूँ कि उसका नाम जो है वो बरकरार रहे. ऑर्फन हाउस उसके लिए एक घर उसकी याद में बना रही हूँ ताकि एक तो उसे रिवार्ड मिले, एक उसका फेम बरकरार रखे. एक मेरा सन है, बेटा है, ऑसवर्ल्ड नाम है उसका, ऑसवर्ड, और वो बेटा है उसी मिसेज एल्वन का. मिसेज एल्वन कहती है कि उसके बुरे कामों का असरात मेरे बच्चे पे ना पड़े, तो मैं इसलिए ये कर रही हूँ. उसने उसको बाहर भेज दिया था और वो पढ़ के अब वापस आया है. जब वापस आता है तो रजीनिया नामी जो उनकी मेड सर्वेंट है, उसके साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उसके साथ रिलेशन बिल्डअप करता है. अल्टीमेटली पता चलता है कि रजीनिया जो है उसकी बहन है, यानी उसकी स्टेप, वो जो इललेजिटिमेट उसकी सिस्टर है, क्योंकि उसके फादर के किसी मेड सर्वेंट के साथ इलेजिटिमेट रिलेशन थे. अल्टीमेटली रजीनिया का फादर जो है जैकब उसे बता देता है, जो कि कारपेंटर है और वर्क भी कर रहा है उसी ऑर्फन हाउस के लिए जो कंस्ट्रक्ट करने जा रही है अल्टीमेटली वो घर जो है वो गिर पड़ता है और बड़ी टेंशन, लोग बहुत टेंशन का शिकार होते हैं. और जैकब उसे रिवील करता है रजीनिया को कि वो उसकी बहन है, तो वो उसके साथ मजीद मुरासम ना बनाए बल्कि यहाँ से चली जाए. तो वो यहाँ से चली जाती है और ऑसवर्ल्ड बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है. ऑसवर्ल्ड जब परेशान होता है और इतनी टेंशन लेता है कि अल्टीमेटली ही वाज़ अबाउट टू डाई, और अपनी मदर से कहता है कि मुझे कोई इस तरह की ड्रग्स पिला दो जिसकी वजह से मेरी डेथ हो जाए. अब वो बार बार अपनी मदर से रिक्वेस्ट कर रहा है, ही इज़ अबाउट टू डाई, वन अ ड्रग एंड वॉन्ट टू डाई फॉर एवर, एंड वट हैपन्स, शी इज़ इन अ कॉन्टेम्पलेशन वेदर टू गिव और नॉट, कि वो ड्रग दे या ना दे. सोसाइटी आपके सामने इब्सन ने रिवील कर दी और सोसाइटी को बताते हुए एंड जो है उसका आपके ऊपर छोड़ दिया, आप जो मर्जी इंटरप्रेट कर लें. ये है करैक्टरिस्टिक एक मॉडर्न ड्रामेटिस्ट की. वो आपको फोर्स नहीं करता डिडेक्टिक वे से, आपको टीचिंग नहीं कर रहा कि भाई ये रास्ता है यही अपनाना है. मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूं कि किसी कंट्री का नाम ले देते हैं, मैं कहता हूं कि भारत जो है ना वो दुनिया का सबसे बुरा
कंट्री है इसके ऊपर ऐसे लिख दें। इंडिया जो है वो दुनिया का सबसे ईवल है, यानी मदर ऑफ ईवल है, एक्सिस ऑफ ईवल है। तो कुछ भी मैं आपसे कह देता हूं, अगर मैं कोई ऐसा नेगेटिव कमेंट दे देता हूं, मैंने पहले ही आपको डिडक्ट कर दिया, डिडक्ट कर दिया, या मैंने आपको पहले ही टीच कर दिया, पहले ही इंस्ट्रक्ट कर दिया कि यही करना है, तो आपने फिर उसके वो खिलाफ ही लिखना है। तो वो आपको ये नहीं बताता ये अच्छा है ये बुरा है। मॉडर्न ड्रामेटिस्ट आपको कहता है कि आप खुद इससे ड्राइव कर ले मीनिंग, जो आप इससे गेट करना चाहते हैं, जो आप इससे गेन करना चाहते हैं, आपने खुद करना है। रीडर को फोर्स नहीं करता भाई ये रास्ता है वो रास्ता है, वो कहता है कि आपने खुद उससे मीनिंग निकालने हैं, खुद उससे सेंस आउट करना है कि भाई क्या अच्छा है क्या बुरा है। सोसाइटी उसने रिवील कर दी, आपको खोल दी, आपको बता दी कि सोसाइटी के अंदर क्या है। यही एक मॉडर्न राइटर का एक ट्रेट है, एक उसका फीचर है, और मॉडर्न राइटिंग का जो कि वो लेकर आया था हेनरिक एब्सन। सो लेट्स सी हेनरिक एब्सन, इसमें जी कुछ हेडिंग्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम वही डिस्कस करेंगे। पहली इधर हेडिंग है कि सबसे हम पहले डिस्कस करेंगे हेनरिक एब्सन का कोई एक स्पेसिफिक स्टाइल नहीं था कि वो एक फेमिनिस्ट है, वो एक सोशलिस्ट है, वो एक नेशनलिस्ट है। कभी उसे नेशनलिस्ट कहा जा रहा है, कभी उसे सिंबलिस्ट कहा जा रहा है, कभी उसे फेमिनिस्ट कहा जा रहा है, कभी उसे फॉरनर कहा जाता है, कभी उसे कहा जाता है कि ये साइकोअनालिसिस करता है, कभी उसे कहा जाता है कि वो नेशनलिस्ट है। वो कोई एक उसका स्टाइल नहीं था, उसने बहुत सारे जो फेजेस हैं अपनी लाइफ में देखे। कहते हैं कि हेनरिक एब्सन की लाइफ के 3 फेजेस थे। अर्ली फेज जिसमें वो पोएटिक एपिक्स के बारे में लिखता है, फिर उसके बाद मिड फेज उसमें वो रियलिस्टिक क्लासिक्स शो करता है जैसे अ डॉल्स हाउस, फिर उसके बाद लेटर फेज है उसकी लाइफ का जिसमें वो सिंबोलिज्म के थ्रू लिखता है, ये आपको सिंबॉलिक चीज़ें दिखाता है। आपने खुद तो उसमें उसका उसके प्लेज हैं उसने लिखे हैं, जैसे वो व्हेन वी डेड अवेकन्स, इस तरह के जो प्ले हैं। उसके अलावा प्रॉब्लम प्ले, वो प्रॉब्लम प्ले लिखता है। प्रॉब्लम प्ले में वो ऐसी चीज़ों को डिस्कस करता है जैसे दूसरे राइटर उनको नहीं डिस्कस करते, जैसे वो सोसाइटी को वो दिखाना, उसके चेहरे से मास्क उतार के उसको दिखाना कि रियल फेस क्या है सोसाइटी का। सोशल प्रॉब्लम को डिस्कस करता है, हेडा गैबलर लेने, अडोल हाउस लेने, जो अभी मैंने घूस्ट आपसे डिस्कस किया है, ये चीज़ें आम राइटर डिस्कस नहीं करते थे लेकिन वो करता था, और वो डिस्कस करता था सोशल इशू को। फादर ऑफ रियलिस्टिक थिएटर जाना जाता है वो। एक बात मशहूर है, प्रोमिनेंट है कि प्रोज जो है वो लैंग्वेज है रीजन की, पोइट्री जो लैंग्वेज होती है पैशन की, जज्बात की, फीलिंग्स की, इमोशन की। लेकिन उसने क्या किया, उसने ड्रामा के अंदर आपको लॉजिक के साथ, रीजन के साथ बात करके दिखाई, ऑब्जेक्टिविटी लेकर आया। किसके जरिए? पोइट्री है, ड्रामा एक पोइट्रिक फॉर्म में होता है, तो उसने उसको उसके अंदर लेकर आया। क्या लेकर आया? ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि आप अपने आप अपने जो पर्सनल आइडियाज़ हैं उसको निकाल के ऑब्जेक्टिव अप्रोच देते हैं टोटली। अब आपको मैंने एक प्ले अभी आपको सुनाया, इस प्ले में हमें लगता है कि हेनरिक एब्सन सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है, डिसाइड आपने करना है। आपको मैंने प्ले सुना दिया, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको ओवरऑल उसकी समरी बता दी कि भाई इस तरह मिसिज और मिस्टर एल्वन है, एल्वन बहुत बुरा इंसान है, उसको एक्सपोज कर रही है उसकी वाइफ, उसके लिए ऑर्फन हाउस बन रहा है उसकी याद में, उससे रिवार्ड मिले, उसका अच्छा नाम काम रहे। क्या बताया जा रहा है आपको? आपको इनडायरेक्टली ये बताया जा रहा है कि जैसा आपको चीजें नजर आती हैं वैसी नहीं है, जैसा आपको दिखाया जा रहा है वैसा नहीं है, रियलिटी इज समथिंग एल्स। अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे, मेरा दिल कर रहा है कि आपको पढ़ाऊं एपिक थिएटर से रिलेटेड बैकडोर्ड ब्रैकेट, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। वो बात करेगा एलिनेशन की, वो बात करेगा सेपरेशन की, वो बात करेगा डिस्टेंसिंग टेक्निक की, कि जो चीज़ें आप किसी को बताना चाह रहे हैं वो पहले ही बता दें, जो दिखाना चाह रहे हैं उसे इमोशन और पैशन और फीलिंग के अंदर इन्वॉल्व करके उसकी अपनी थॉट्स ही ख़त्म ना कर दें कि वो सोच ही ना सके कुछ। आप उसको पहले बता रहे हैं भाई ये प्ले है और हम आपके सामने ये प्ले करने जा रहे हैं। डिस्टेंसिंग का मतलब ये होता है कि उससे बता दिया जाएगा, उसे पता हो कि जो मैं देख रहा हूँ ये कोई रियलिटी नहीं है भाई, मैं एज अ रोल करूँगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे रोल करूँगा किसका, मैकबथ का,
ये लेडी मैकबथ का रोल करेगी, और ये उनके जो उससे रिलेटेड जो किंग है उसका डंकन, किंग डंकन का रोल करेगा, वो पहले ही बता दिया जाएगा। अब हर चीज ऑडियंस को पता है तो वो खुद डिस्टेंसिंग हो जाएगी। ये टेक्निक थी डिस्टेंसिंग की, ऑडियंस को पहले ही बता दिया जाए व्हाट इज गोना हैपन। ये हम पढ़ेंगे ब्रैकेट बेल्टोल्ट ब्रैकेट का जो ग्लीलियो ग्लीली है, इसके बाद हम इसको पढ़ेंगे और आप वहां पे देखेंगे कि मॉडर्न प्ले राइट लिखता कैसे है, उसका अंदाज कैसा है, वो कैसे चीजों को वो डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं इमोशन पैशन फीलिंग तो बिल्कुल उसकी सेंस को खराब कर देते हैं ऑडियंस। ऑडियंस को पता ही नहीं चलता कि हमने क्या डिसाइड करना है कि ये भाई क्या कहा जा रहा है। वो कथार्सिस फीलिंग और रोते हुए बाहर आ जाते हैं, दे गेट नथिंग आउट ऑफ दैट ड्रामा। सो व्हाट द एंड ऑफ दिस ड्रामा, द एंड ऑफ लिटरेचर इज टू टीच, टू इंस्ट्रक्ट, टू गिव यू सेंस टू डिसाइड व्हाट टू डू। इट्स अ हैमर विद विच यू कैन मेंड सोसाइटी। ये कहा था किसने, बर्टोल्ट ब्रैकेट ने। तो विल स्टडी आफ्टर दिस। अब यहां पे हम जो चीजें डिस्कस करेंगे इसमें वो बताता है आपको, आपको ये नहीं बताएगा कि क्या अच्छा क्या बुरा, लेकिन वो आपको कि आपके ऊपर छोड़ देगा, आपने इंटरप्रेट खुद करना है। रीडर ऑडियंस यहाँ पे आजाद हैं इंटरप्रिटेशन के लिए, जो मर्जी कर लें वो आपके ऊपर छोड़ता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी कुछ ऐसी टेक्निक को यूज करता है। कहता है कि मैं जंगल से जा रहा था, दो रास्ते थे, एक अच्छा था एक बुरा, यानी दो रास्ते थे दोनों एक जैसे थे, एक को देखा वो अच्छा लगा, दूसरा देखा दूसरे को दूसरा अच्छा लगे, जब मैं एक पे चला जो मैंने ऐसा ज्वाइन किया रास्ता, ऐसा अडॉप्ट किया जहां पे ज्यादा लोग नहीं चले थे, मैं चलता गया चलता गया, जब मिड में पहुंचा तो मुझे ऐसे मुझे ख्याल आए कि जैसे पहले वाला अच्छा था। तो अब देखें किस तरह से पोएट आपको खुद सोचने पे मजबूर कर रहा है। ये हर बंदा इस चीज को फेस कर रहा है कि एक रास्ते को हम अडॉप्ट कर लेते हैं, थोड़ी देर पर कहते हैं शायद पहले वाला बेहतर था। तो वी आर इन टू बी और नॉट टू बी, एज शेक्सपियर सेड इन हैमलेट, टू बी और नॉट टू बी, दिस इज अ क्वेश्चन। सो लेट्स सी लेटर फेस में सिंबोलिज्म है। द प्रॉब्लम प्ले लिखता है फादर ऑफ रियलिस्टिक थिएटर है। प्रोज जो है वो लैंग्वेज होती है रीजन की, पोएट्री पैशन फीलिंग की, उसने आपको ड्रामा के थ्रू ऑब्जेक्टिविटी दिखा दी। ये है जी उसकी टेक्निक। इब्सन जो है वो आपको स्टैंडर्ड देता है, मोरालिटी का स्टैंडर्ड देता है। उसके बाद एंडिंग ऑफ इब्सन्स प्ले, इब्सन के प्ले की एंडिंग कैसी है, इब्सन अपने प्ले को कैसे एंड करता है, अभी मैंने बताया। आप देखें हेडा गैबलर को, हेडा गैबलर में बहुत सारे लोग कहते हैं कि उसको हीरोइन थी, उसको नहीं मरना चाहिए था, या उसे ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था, और उसने उसको कैसे एक ट्रेजिक हीरोइन बना दिया। उस वक्त की सोशल नॉर्म्स कन्वेंशन जो है वो टोटली एंटी हैं वो ट्रेजिक हीरोइन के, और वो उसको क्या करती है, फेस करती है। हमने देखा लव बॉक जो है सोसाइटी को एक्सेप्ट नहीं करता, सोसाइटी उसे बैनिश कर देती है, एक्सेप्ट नहीं करता, और वो इसके अंदर एक्सेप्ट करता है कि मैं तंग आ गया उनको फॉलो कर करके, और हमने ये चीजें देखी और वही उनके लिए ट्रेजेडी है। अब यहां पे एंडिंग ऑफ एब्सन, आपसे मैंने डिस्कस किया नोरा, मैंने एक दिन डिस्कस किया आपसे कि अडोल्स हाउस के अंदर एक लेडी है, बैंक मैनेजर की वाइफ है, और उसने प्रॉमिस किया कि दे विल नेवर एवर टेक डेट। वो बीमार होता है, वो उसके एक ऑफिसर से, बैंक के ऑफिसर जो उसका कोलीग था, उससे कुछ रकम उधार लेती है। जब वो ठीक होता है तो वही जो बैंक का ऑफिसर होता है वो उसे उसको क्या करता है, उसके साथ इललिजिटिमेट रिलेशन, बिल्कुल ऐसे ही जैसे जज ब्राक वहाँ पे काम करता है हेडा गैबलर के अंदर, तो उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। देखें कि कैसी रेबल है, कैसी रेवोल्यूशनरी वो करेक्टर है, कैसा रेवोल्यूशनरी करेक्टर है, और वो आगे से उसको डिनाई करती है, शी विल नॉट बिल्ड एनी रिलेशन, शी विल नॉट बी मैनिपुलेटेड एट एनी कास्ट, रिजेक्ट करती है और अपने हस्बैंड को सब कुछ बता देती है। जैसे बताती है तो वो उसको प्रोस्टिट्यूट कंसिडर करता है, और उसके बाद जब वो उसको अब्यूज करता है तो वो अपना सारा सामान पैक करती है और अपने बच्चों को हस्बैंड को सब कुछ छोड़ छाड़ के वहां से चली जाती है। देखिए कैसा उसने एंड किया है, अब आपने खुद डिसाइड करना है।
तो इस तरह की वो एंडिंग उसकी इस तरह की होती है। आपने एंडिंग जो है वो दिखानी है। आपने द गूस जो गूस्ट अभी मैंने आपके सामने अभी उसकी समरी बताई उससे रेफरेंस दें, आप डॉल हाउस से दें, आप इस प्ले से दें। आपने तीनों प्ले से रेफरेंस लेने क्योंकि इनकी तीनों की समरी आप कभी नहीं भूलेंगे। मैंने आपको अडोल्स हाउस की, गूस्ट की और हैडा गैबलर की जो मैंने समरी बता दी, आप इससे उठा उठा के उनको रेफरेंस दे देंगे। वो इस तरह की एंडिंग करता है, वो रीडर के ऊपर छोड़ता है, वो उनको अपॉर्चुनिटी देता है, वो डिडैक्टिक नहीं बनाता, वो इंस्ट्रक्ट नहीं कर देता पहले से कि आपने ऐसे ऐसे वैसे करना है। ही गिव्स अपॉर्चुनिटी टू रीडर टू डिसाइड व्हाट दे वांट टू थिंक व्हाट दे वांट दे ही लेट देम टू थिंक ही वांट मेक देम क्रिएटिव प्रोडक्टिव ही वांट मेक देम वेरी क्रिएटिव उनको क्रिएटिव बनाना चाहता है कि दे शुड थिंक लेट देम टू थिंक लेट देम टू डिसाइड व्हाट इज गोना हैपन तो दे विल डिसाइड रीडर विल ऑडियंस एंड रीडर विल देमसेल्फ डिसाइड व्हाट इज गोना हैपन एंड व्हाट वाज अ गुड व्हाट वाज अ बैड ही लीव्स अनटू यू। मॉडर्न प्ले राइट है, आप इसको डिस्कस करेंगे। आप ऐसा करें कि इसकी कंक्लूजन जो है वो काइंडली लिख लें क्योंकि मैंने उधर से आपको वो काट दिया है। लिखें जरा कंक्लूजन इसका। टू कंक्लूड लिखें, टू कंक्लूड ही गिव्स न्यू डिमेंशंस टू ड्रामा। साथ साथ लिखते जाएं, इसको आपने ऐसे ही लिखना है इसकी कंक्लूजन। कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन याद रखें कि इसके ऊपर बहुत एग्जामिनर सबसे ज्यादा तवज्जो देता है कि आपने कंक्लूड क्या किया है, सम अप क्या किया है। जैसे हम थीसिस लिखते हैं ना, तो थीसिस में जो आपका चैप्टर होता है उसकी बात का समरी वो पूछते हैं आपसे भाई इसकी उसको इसका प्रेसिस लिखें, इसकी इसकी प्रेसी लिखें, ओवरऑल आप इसके अंदर उसका निचोड़ लिखें। तो वो जो होता है ना सबसे डिफिकल्ट काम वो होता है कि कैसे आप हैंडल करते हैं चीज़ों को। आपने सम अप किया, क्या किया है, क्या क्या बुक के से उठा के दे दिया, क्या किसी की थॉट जो है वो लिख के दे दी है तो वो आपसे कहेगा कि ये तो इसने कॉपी किया हुआ है, वो आपको नंबर क्यों देगा, वो आपको क्यों फर्स्ट डिवीजन देगा। टू कंक्लूड ही गिव्स न्यू डिमेंशंस टू ड्रामा। ही इज कंसीडर्ड एज द लीडर ऑफ अ न्यू एरा इन जर्मनी। ही इज कंसीडर्ड एज द लीडर ऑफ न्यू एरा इन जर्मनी। जर्मनी के अंदर वो न्यू एरा का लीडर जाना जाता था। इन इंग्लैंड ही वॉज नोन एज चैंपियन एंड विलियम आर्चर। विलियम आर्चर भी एक ड्रामेटिस्ट था, तो ये भी इसके साथ ये क्या करता है, इसको बड़ा डिफेंड करता है। फॉट मैनी अ बैटल फॉर हिम। उसके लिए उसने बहुत सारी जंगें लड़ी क्योंकि वो एक रेवोल्यूशनरी था, तो वो उसका सपोर्टर था, तो उसने बहुत सारी उसके लिए जंगें लड़ी हैं। विलियम आर्चर, ARCHER। मैनी यंग पीपल कॉमा राइटर कॉमा ऑथर एंड ड्रामेटिस्ट लर्न फ्रॉम हिम एंड कोटेड हिज बुक। लिख लें, मैनी यंग पीपल, जब कोई अच्छा लिखता है तो हम उसका कोड हम कहते हैं बेकन सेट, स्टडी सर्व्स डिलाइट ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी, इट्स स्ट्रेंज डिजायर टू सीक पावर एंड लूज लिबर्टी। फिर वो मजीद कहता है अनइजी लाइज ऑन द हेड ऑफ दोज हु वियर्स इट्स क्रोन। फिर वो मजीद कहता है कि व्हेन वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, व्हेन कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। हम उसका हवाला देते हैं तो लोग उसको कोट करते हैं, बताते कि हेनरी गिब्सन सेड, हेनरी गिब्सन ने ये कहा, हेनरी गिब्सन ने ये कहा। हम उसके कोट्स जो हैं वो यंग पीपल लोग मेरे जैसे आप जैसे लोग जो हैं वो उसके कोट बताते कि वो बड़ा एक रेवोल्यूशनरी और बड़ा एक अच्छा करैक्टर था, अच्छा आथर था। मैनी यंग पीपल्स कॉमा राइटर्स कॉमा आथर्स एंड ड्रामेटिस्ट लर्न फ्रॉम हिम, उससे उन्होंने सीखा एंड कोटेड हिज बुक, और उसकी बुक को कोट करते एज सेक्रेट बुक, जैसे कि मुकद्दस बुक्स हैं उसकी। इब्सन डिड नॉट फाउंड एनी स्कूल, इब्सन ने कोई स्कूल फाउंड नहीं किया, बट एवरी स्कूल बिकेम हिज, दूसरी फॉर्म यूज करेंगे, बिकेम हिज डेटर। अच्छा अच्छा ठीक है। इब्सन डिड नॉट फाउंड एनी स्कूल, Ibsen did not found any school,
But every school became his debtor. लेकिन हर स्कूल जो है वो उसका डेटर है, उसका उसका मकरूज है, उसने उसके आइडियाज़ को बारो किया है, लिया है. साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट कॉमा राइटर्स कॉमा नावलिस्ट लर्न मैनी मोरालिटीज फ्रॉम हिज क्रिएटेड करैक्टर. लिख लें, साइकोलॉजिस्ट कॉमा राइटर्स और नावल एंड नावलिस्ट लर्न का मतलब होता है सीखना. लर्न मैनी मोरालिटीज फ्रॉम हिज क्रिएटेड करैक्टर, जो उसने करैक्टर क्रिएट किए उसमें उससे बहुत सारे राइटर जैसे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है, जैसे वर्जीनिया वुल्फ है, जैसे जेम्स जॉयस है, जैसे इस तरह के जो राइटर्स हैं, इन राइटर ने इससे बहुत कुछ सीखा, बल्कि वो इन्फ्लुएंस थे. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को इसने इन्फ्लुएंस किया, इसने जेम्स जॉयस को इन्फ्लुएंस किया, तो बहुत सारे राइटर इससे इन्फ्लुएंस थे, वो इसको लाइक करते थे. राइटर मैनी राइटर्स, आप इनके नाम लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो, भले आप वैसे ही लिख दें, साइकोलॉजिस्ट राइटर्स नावलिस्ट ड्रामेटिस्ट. ऐसे लिखने के बाद लर्न मैनी मोरालिटीज, उन्होंने बहुत सारी मोरालिटीज सीखी. MORALITIES मोरालिटीज फ्राम हिज क्रिएटेड करैक्टर, इसके बनाए हुए करैक्टर से, क्रिएटेड करैक्टर से उन्होंने बहुत सारी मोरालिटी सीखी. आप अपने लफ्जों में भी लिख सकते हैं जैसे आपको सूट लगे. हिज करैक्टर्स, उसके करैक्टर, मैं बात करूंगा मिस एल्विन की, मैं बात करूंगा हाडा गब्लर की, मैं बात करूंगा मिस नोरा की, तो इन ये सारे करैक्टर्स जो हैं आपको ऐसे लगेगा कि वो एक अपनी दुनिया लिए हुए हैं. अभी उनके ऊपर रिसर्च हो रही है, थीसिस लिखे जा रहे हैं. हाडा गब्लर के ऊपर थीसिस लिखे जा रहे हैं, नोरा के ऊपर थीसिस लिखे जा रहे हैं, मिसेज एल्विन के ऊपर थीसिस लिखे जा रहे हैं. वो कैसे करैक्टर थे? हिज करैक्टर्स आर डिपिक्टेड एम्बिगुअस. हिज करैक्टर्स आर, ज्यादा करैक्टर थे तो हम आर लिखेंगे. हिज करैक्टर्स आर डिपिक्टेड DEPICTED. His characters are depicted ambiguously. Ambiguously. And still are being researched. And still are being researched. और अभी भी रिसर्च किए जा रहे हैं, जाते हैं. क्यों रिसर्च किए जा रहे हैं, क्यों किए जाते हैं? Because they are having a world in themselves. उनके अंदर एक दुनिया है. And still they are being researched. और अभी भी उनके ऊपर रिसर्च हो रही है. आगे जी, his character expose the people. His character expose the people and discuss the debatable issue in society. His characters expose the world. इसके character जो हैं वो दुनिया को expose करते हैं. And discuss the debatable issue in society. Debatable ऐसे issue जो debatable हैं उनको वो discuss करते हैं, address करते हैं. लिख लें,